पनाहट क्षेत्र के सीएससी केंद्र पनाहट परिसर में 3 माह से वेतन न मिलने को लेकर आशाओं द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया, जहां आशाओं द्वारा हंगामा कर वेतन दिए जाने की मांग उठाई गई। वहीं मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन धरने किए जाने की चेतावनी भी दी गई। पूरा मामला थाना कस्बा पनाहट क्षेत्र के सीएससी केंद्र का है, जहां सीएससी केंद्र पर एकत्रित आशाओं ने कार्य की हड़ताल कर धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि 3 माह से वेतन न मिलने पर आशा द्वारा प्रदर्शन किया गया, जहां उनका कहना था कि 3 माह से वेतन न मिलने पर फोन बिल भी नहीं भरे गए हैं, जिससे कार्य करने और सूचना देने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं वेतन न मिलने से उनकी आर्थिक स्थिति भी खराब है। आशाओं ने हंगामा कर प्रशासन से वेतन दिए जाने की मांग उठाई है। साथ ही उनके द्वारा कहा गया कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गयी तो अनिश्चितकालीन धरना कार्य बहिष्कार करेंगे। पूरे मामले पर सीएससी प्रभात देहात के नाम आशाओं द्वारा पूरे मामले पर सीएससी प्रभात देहात के नाम पर बीपीएल को आशाओं ने ज्ञापन भी सौंपा, जहां उनकी समस्याओं का जल्द निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया गया। हम समस्या संगनी यहां पर इकट्ठी हुई है सीएससी पिनाट पर। हमने अपनी आशाओं के लेकर और अपना खुद का पैसा लेकर के धरना प्रदर्शन करने का माध्यम रखा था, लेकिन हमारे डॉक्टर साहब और बीपीएम सर ने बोला है कि पैसा आ चुका है और 1-2 तारीख में पैसा डल जाएगा। इसीलिए इस धरना प्रदर्शन को हम यहीं पर रोक रहे हैं। अगर हमारा और हमारी आशाओं का 1-2 तारीख तक पैसा नहीं आता है तो हमने इस धरने को आगे के लिए शुरुआत से फिर से दोबारा से। कितने महीने का वेतन अभी रुका हुआ है? मार्च, अप्रैल, मई। डीजी महाराजा न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।